लोगों का शुक्रिया और क्या कहूँ, उनका उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में गुजारिश करता हूँ कि आप जश्न ज़रूर मनाएं लेकिन पुरअमन जश्न हो, किसी के ख़िलाफ़ कोई गाली गलौज ना हो, किसी के ख़िलाफ़ कोई नाराबाजी ना हो, कोई गलत इस्तेमाल गलत अल्फाज का इस्तेमाल ना हो, ये मेरा पैगाम होगा। अच्छे इंतजाम थे, एडमिनिस्ट्रेशन का मशकूर हूँ, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, बल्कि कभी कभी हमने उनको तंग किया लेकिन ये लोगों ने बर्दाश्त किया, चाहे पुलिस इंतज़ामिया है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी सिविल इंतज़ामिया है, सब ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ कंडक्ट किया, इलेक्शन काउंटिंग भी अच्छी तरह से हुई, इनका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, काफ़ी टाइम के बाद अब आपको मौका मिला है, तो क्या कुछ करना चाहेंगे बिजबारा के लोगों के लिए? देखें, इंशाल्लाह जो तवक्कात है लोगों के उन पर हमें पूरा उतरने की कोशिश करनी है, बस अल्लाह से दुआ करता हूँ वो उस पर पूरा उतारे और वसाइल पैदा करे जिससे हम उनके वो तवक्कात पूरे कर सकें। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ यहाँ पे एनसी के कैंडिडेट डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, जिन्होंने इल्तिजा मुफ्ती को हराया है, बोलने का मौका दिया। तो श्री गुफरा बिजबारा कॉन्स्टिट्यूंसी की आप एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तीन उम्मीदवार जो थे वो मैदान में थे, ठीक है, लेकिन इस तरह की जीत, इस तरह की बढ़त नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल एनए न्यूज़ दिखा रहा था, जिसके साथ मैं काम करता हूँ, जिसका मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ बिजबारा, तो हमने दिखाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रहे हैं बिजबारा से, लेकिन इतनी उम्मीद कि इतने वोटों से जीतेगा ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनको 10-12 हज़ार की बढ़त मिली है बिजबारा से, तो सीधे सीधे एक ऐसी बात होगी कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने जो तजुर्बाकार सियासतदान है उन्हें यहाँ से शिफ्ट करके अनंतनाग ईस्ट में पहुँचा दिया है। अब्दुलरहमान वीरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो लगातार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 मरतबा जीत के आए, उनकी उन पर तरजीह नहीं दी गई और उन्हें तरजीह अपनी बेटी यानी कि इल्तिजा मुफ्ती को मैदान में उतारा। फाइनली क्या हुआ है कि यहाँ पे डॉक्टर बशीर शाह वीरी जो है वो जीत गए हैं।